आज बच्चों हम हिंदी पाठ पढ़ेंगे 3, जिसका नाम है शहीद बकरी और जिसके लेखक हैं अयोध्या प्रसाद गोयलीय। इसमें एक बकरी के जीवन पर कहानी प्रस्तुत की गई है, जिसमें एक बहादुर बकरी के बारे में बताया गया है कि कैसे बकरी ने हिम्मत और साहस के साथ एक खूंखार भेड़िए का, अत्याचारी भेड़िए का सामना किया और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, अपनी आज़ादी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। इस प्रकार उसने दूसरी बकरियों के लिए भी एक सीख दी कि हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हमें अपने प्राणों की बाजी क्यों न लगानी पड़े। हमेशा अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, स्वाभिमान को मार कर नहीं। इसके लिए चाहे हमें किसी प्रकार के कष्ट को क्यों न सहना पड़े। इस प्रकार हमें ये कहानी पढ़ेंगे कि कैसे हमें अपने जीवन में अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। कहानी है, हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे दिन एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए से तंग आकर चरवाहे ने अपनी बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। श्रेष्ठ का मतलब है उत्तम, यानी उन्होंने यही सही समझा कि भाई किसी का शिकार होने से अच्छा है हम वहाँ पर चरने के बजाय हम अपने बाड़े में ही जुगाली करके अपना जीवन बिता लेंगे। बाड़े मतलब जहाँ पर बकरियाँ रहती हैं। बाड़ा एक ऐसा स्थान है जो बकरियों का घर होता है। न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को ये बंधन पसंद नहीं आया। युवा मतलब जवान, एक नई, जैसे जवान बच्चों में जोश होता है, उसी तरह उस युवा बकरी में भी एक जोश था। उसको यह बंधन पसंद नहीं आया। बंधन का मतलब है कैद, कि भाई हम किसी से डर कर क्यों रहें। अत्याचारी से यूं तो कब तक प्राणों की रक्षा की जाएगी, की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी दिन बाड़े में भी कूद सकता है, कि यानी वह पहाड़ पर ही हमारे हमें उससे खतरा थोड़ी है। वो तो बाड़े में भी कूद सकता है जिस दिन उसको शिकार की ज़रूरत पड़ेगी। शिकारी के भय से मूर्ख सुरमुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। बख्श देता यानी उसको छोड़ देता है कि जब सुरमुर्ग अपने शिकारी से बचने के लिए अपनी गर्दन को रेत में छिपा लेता है तो क्या शिकारी उसको छोड़ देता है। नहीं छोड़ता, फिर भी वो इसका शिकार कर लेता है। इन्हीं विचारों से ओत प्रोत वह हसरत भरी नज़रों से, हसरत भरी मतलब चाव से, ऐसी उसकी इच्छा थी, चाव से पर्वत की ओर देखती रहती। उसकी इच्छा थी कि मैं भी पर्वत पर आज़ादी के साथ घूमूं फिरूं। उसके बाद उसने साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया। आंखों आंखों का मतलब है उसे इशारों से समझाया कि ये करना मूर्खता है, कि वह अपनी मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए, कि भाई ये मूर्खता का विचार है कि तुम भेड़िए का सामना करोगी या हम भेड़िए का सामना करेंगे। भेड़िया तो हमसे ताकतवर है, भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, यानी वो तो मांसाहारी है और उसके मुंह हमारा खून लग चुका है, यानी वो एक बार हमारा शिकार कर चुका है तो वो बार बार हमारा शिकार करेगा, उसको तो आदत हो गई है। वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। बाज नहीं आना मतलब सुधार न होना, उसकी आदतों में सुधार न होना, कि भाई उसको तो हमारा खून मुंह लग गया है और उसको तो आदत पड़ गई है, अब तो वो बाज नहीं आएगा अपनी आदत से। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि भेड़िया क्या करता है, वह किस तरह झपटता है। यह कर्तव्य देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई, इच्छा
बढ़ती गई, लालसा इच्छा बलवती बढ़ती गई, यानी उसकी इच्छा बढ़ती गई कि वो कैसे झपटता है, देखूँ तो ज़रा उसको, उसमें इतनी ताकत कैसे है, वह कैसे हमारा शिकार कर लेता है। आखिर एक दिन मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी, वो युवा बकरी निकल भागी, उसको पसंद नहीं थी कैद, और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती पलांगती, स्वच्छंद आज़ाद या आज़ादी के साथ विचरती घूमती कूदती पलांगती दिन भर पहाड़ पर चरती रही, यानी पूरा दिन वह आज़ादी के साथ ऐसे फलांगती पहाड़ पर कूदती घूमती फिरती रही। भेड़ियों को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, उत्सुकता जिज्ञासा उसकी ये भी जिज्ञासा बनी रही कि मैं भेड़िए को देखूं कि वो कैसे शिकार करता है, परंतु उसके दर्शन न हुए। झुटपुटा होने पर झुटपुटा होता है अंधेरा, थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा हो जाए उसको झुटपुटा बोलते हैं। झुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पाँव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। वह जब ये सोचकर कि चलो भेड़िया तो नहीं आया और चलो मैं घर ही चलती हूँ, ऐसे बाध्य का मतलब है मजबूर होकर वो घर चलने के लिए तैयार हुई, तो उसे रास्ते में उसने रास्ते में देखा कि भेड़िया दबे पाँव, दबे पाँव यानी पैरों को धीरे धीरे रखता हुआ ताकि किसी को बताने लगे दिखाई दिया। उसकी रक्तरंजित होती हैं खून जैसी लाल आँखें, रक्तरंजित खून जैसी लाल आँखें।